आज बताऊंगी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर बताए थे दो तरीके के होते हैं, एक रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, अगर हम खाली रेशनल नंबर्स लें, सपोज 2/3 लिया, 1/2 लिया, इन्हें प्लस करना भी आता है आपको, इन्हें माइनस करना भी आता है, इन्हें मल्टीप्लाई करना भी आता है और इन्हें डिवाइड करना भी आपको आता है। ठीक है, ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो क्योंकि एक तरीके से फ्रैक्शंस हो गए, फ्रैक्शंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आता है। जब आपके दोनों रेशनल नंबर है तब तो आपको आता है, लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है और एक हमारा इरेशनल नंबर है और फिर हमें उस पर ऑपरेशन करना है, हमें उसे प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। एक रेशनल नंबर लेना है, सपोज रेशनल नंबर हमने 2 ले लिया। ठीक, एक इरेशनल नंबर लेना है, सपोज √2 ले लिया। ठीक, √2 की वैल्यू मैंने आपको बताया था 1.414... यानी ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक, चलता ही चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं 2 और √2 इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक, ये 2 लिखा, ये 1.414... इसका मतलब जब मैं इसको जोड़ूंगी तो 2 का मतलब हो गया 2.0, इन दोनों को ऐड किया तो 3.141... देखो, नहीं समझ में आया कैसे जुड़ा तो ऐसे देखो, .. इसके नीचे 2.0, इसको जोड़ा, 1 और 2 3 हो गया, 0.414... ऐसी चलता रहेगा। यानी ये जो नया नंबर हमारा बना ये भी क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। यानी जब आप एक रेशनल को और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इन्हें माइनस करते हो, सेम नंबर्स हैं, आप इन्हें माइनस कर रहे हो, ठीक, माइनस करोगे तो पहले हमने 2.0000 ऐसे लिखते चले जाएंगे और नीचे 1.414... लिखते चले जाएंगे। जब ये चलता ही चला जाएगा तो यहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक, और इसे माइनस करोगे, यहां पर पहले 9 रहेगा लेकिन 9 से भी आपने इधर कैरी दे दिया है तो यहां पर आपका रहेगा 9 5 रहेगा, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन आपकी जो वैल्यू आएगी ये चलती रहेगी क्योंकि ऊपर भी चलता जा रहा है और नीचे भी वैल्यू क्या होती जा रही है, चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स जब आप माइनस करोगे तब भी आपको कैसा नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई कर रही हूं अब मैं, अगर मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो देखो यहां पर जब ये आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, सपोज यहां पर तो मेरा 8 आ गया, फिर 2, फिर 8.2, लेकिन ये जो .. था यहां पर भी .. रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कोई ना कोई नंबर होंगे और उनसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ आता ही चला जाएगा मल्टीप्लाई करके। यानी जब आप एक रेशनल को और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, अगर सपोज हमारे यही नंबर है, सेम नंबर है, तब हम इसे डिवाइड करेंगे तो भी हमें इरेशनल मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे हमने लिखा 1.414, फिर .. अगर हम ये पॉइंट हटाते भी हैं तो यहां पर 0 लगते ही चले जाएंगे बिकॉज ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो ऊपर 0 लगते चले जाएंगे। तो आप डिवाइड भी करोगे तो भी आपका कैसा, इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका ऊपर रेशनल है नीचे इरेशनल है, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, वो इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। लेकिन अब इसके अगला स्टेप जो हम क्या करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर को हम रेशनल नंबर में बदल देते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को कि हम डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर जो कि कैसा है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट कर रही हूं मैं,
रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। किस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं, अगर डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर है और उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, केवल डिनोमिनेटर की बात करें, न्यूमरेटर की बात नहीं करें, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेशनलाइजेशन। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया, नंबर्स ऐड करोगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे तो क्या आएगा आपका, ठीक। दूसरा मेथड अब आपको मैं बता रही हूं, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। पहले बताया रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर को जो कि इरेशनल है उसको रेशनल बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब ये रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, देख ऊपर तो आप न्यूमरेटर में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लेना है तो हम हमेशा वन लेके चल लेते हैं जिससे हमें बार बार सोचना ना पड़े कि क्या नंबर लेना है। अगर डिनोमिनेटर में मेरा खाली रूट टू लिखा था, ठीक है, तो जितना भी नंबर हमारा रूट के अंदर है हम उस नंबर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो वन इंटू रूट टू इज रूट टू और रूट टू इंटू रूट टू इज ओनली टू, क्लियर है ना, कैसे आएगा, दोनों रूट के अंदर आ गए, ये भी अंदर, दोनों अंदर आ गए, रूट स्क्वायर रूट का साइन बना है, दोनों का एक पेयर बना और दोनों में से एक बाहर आ गया। अब देखो नीचे टू बन गया, रेशनल नंबर हो गया, पहले इरेशनल था, क्या बन गया, रेशनल बन गया। अभी एक और एग्जांपल बताती हूँ, सपोज वन अपॉन रूट एट है, एक तो तरीका है आप रूट एट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो भी हमें नंबर डिनोमिनेटर में दिया है पहले उसे हम सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा रूट के अंदर बचा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। इस रूट एट को मैंने सॉल्व किया, देखो कैसे करते हैं रूट एट को सॉल्व, एट लिखा, इसके प्राइम फैक्टर करे, तीन आए प्राइम फैक्टर, यानी रूट एट को मैं रूट टू इंटू टू इंटू टू लिख सकती हूँ, इनमें से एक पेयर बन गया, दूसरे का पेयर बना नहीं, ये बन के बाहर आ गया और ये रूट टू अंदर रह गया, यानी रूट एट को मैं टू रूट टू लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, ठीक। अब मैंने इसी को रूट टू से और इसी को रूट टू से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, वन इंटू रूट टू मेरा रूट टू आया और टू और दो रूट टू आ गए, एक ये वाला रूट टू एक ये वाला रूट टू, इन दोनों का एक पेयर बना, इनसे एक टू मेरा बाहर आ गया, टू इंटू टू यानी आंसर इज रूट टू डिवाइडेड बाय फोर। अभी जो मैंने आपको रेशनलाइजेशन बताया, उस रेशनलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन मैंने इरेशनल नंबर कैसा लिया, खाली ये नंबर ले लिया ऐसे। अगर सपोज करो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा था रूट टू प्लस टू, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगर हमें इसको रेशनलाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर यहां लिखा है उसी नंबर को पूरा लिखना है, बस ये जो बीच वाला साइन है उसको चेंज कर देंगे। अगर सपोज यहां माइनस दिया होता तो माइनस ही लिखते, बट केवल बस बीच वाला साइन चेंज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, केवल ये बीच वाला साइन चेंज करना है, डिनोमिनेटर में जो बीच में साइन है उसको चेंज करना है। अब देखो इसको वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू माइनस टू हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, यानी रूट टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, यानी टू माइनस फोर, यानी कितना आ गया, रूट टू माइनस टू अपॉन माइनस टू, क्लियर इतना। सपोज करो एक और क्वेश्चन है, ये वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री और इसको हमें रेशनलाइज करना है, तो हमारा डिनोमिनेटर है ये, ठीक, इसमें बीच का साइन चेंज कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे डिवाइड भी करेंगे,
ये वाला नंबर और ये वाले नंबर को एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहा जाता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, वन से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, टू प्लस रूट थ्री। अब इसको इस पूरे से करना है, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले में फोर माइनस थ्री, ये आ गया टू प्लस रूट थ्री अपॉन में नीचे आ गया वन, आंसर इज टू प्लस रूट थ्री। नीचे वन हो गया ना, तो डेट मीन्स हमने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि नीचे क्या आ गया हमारा, रेशनल नंबर। क्लियर। एक चीज और बच्चों, एडिशन जब अभी मैंने बताया था कि आप किसी भी एक रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा हमेशा इरेशनल, लेकिन अगर सपोज करो आपको दो तीन नंबर दे दिए जाएं, सारे के सारे इरेशनल हैं और आपको उन्हें ऐड करने को कहा जाए, तो कैसे ऐड करेंगे वो देखो। ऐड करने के लिए सपोज करो ये नंबर दिया हमें टू रूट थ्री एंड फोर रूट टू, सपोज ये क्वेश्चन दिया और हमसे कहा इन चारों को ऐड करो। ठीक है, तो ऐड हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात करें, मल्टीप्लाई डिवाइड की नहीं, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म में होता है। लाइक टर्म इसमें कौन कहलाएंगे, जिनका रूट वाला पार्ट सेम है, ये रूट टू है ये रूट टू है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये रूट थ्री ये रूट थ्री, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। पहले मैंने इन सबको एडिशन का साइन लगा के लिख दिया क्योंकि मुझे क्या करना था, सबको एड करना था। अब जो सेम रूट वाले हैं उनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, यहां मैंने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये जो आगे के नंबर हैं ये ऐड हो जाएंगे, टू और फोर सिक्स और रूट टू एज इट इज। ठीक है, जैसे हम एक्स में करते थे, सपोज टू एक्स प्लस फोर एक्स लिखा होता था तो हम सिक्स एक्स लिख देते थे। ठीक है, तो सेम वही चीज यहां पर हमें करनी है। और नेक्स्ट वाला है फाइव रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया थ्री रूट थ्री। ठीक है, इस तरीके से हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात, सपोज ये दो नंबर दिए हैं और मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, जो आगे के नंबर होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो रूट वाले नंबर होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनमें कोई पेयर बनता है तो उसे बाहर ले लो, नहीं बना तो एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, जस्ट सपोज करो मेरे पास ये होता, इस थ्री की जगह मेरे पास एट होता अगर, तो हम क्या करते, टू इंटू फाइव बाहर आता और अंदर होता टू इंटू एट। अब हम इस एट के क्या करते, प्राइम फैक्टराइजेशन टू इंटू टू इंटू टू, अब दो दो का पेयर बन गया, ये टेन बाहर, यहां से ये टू बाहर और यहां से ये वाला टू बाहर, आंसर इज फोर्टी। सिमिलरली अगर हमें डिवाइड करना है, ठीक, और अगर सपोज यही क्वेश्चन है और इन दोनों के बीच में डिवीजन है, तो हम सेम वैसे ही करेंगे, जो नंबर नंबर है उन्हें आपस में डिवाइड कर दो और जो रूट वाली वैल्यू है उन्हें आपस में डिवाइड कर दो। अगर ये आपस में कटती है तो काट दो, काटने के बाद अगर किसी का पेयर बनता है बाहर निकाल लो, नहीं बनता है तो वही हमारा आंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाले का आंसर तो यही हो गया। एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया है फोर रूट एट डिवाइडेड बाय थ्री रूट टू, सपोज ये क्वेश्चन था, तो फोर अपॉन थ्री किया, रूट के अंदर एट अपॉन टू किया, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा हमारा, एट के फैक्टर किए टू इंटू टू इंटू टू और नीचे था हमारा टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया, बचे दो टू अंदर, इनका एक पेयर बना, एक टू हमारा बाहर आ गया, आंसर इज एट अपॉन थ्री।